हाय गैस, कैसे हैं आप सब? आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे तरह स्माइल करते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ ब्रेड की कुछ नई रेसिपी जो बच्चे को बहुत पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहाँ पे मैंने 4 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और एक इसी चम्मच से 1 चम्मच चीनी लिया है, थोड़ी सी नमक है, थोड़ा सा ही गोल मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ा दूध लेंगे, जिसमें 2 अंडे लिए हैं मैंने। तो इस चीनी को मैं डाल दूँगी, नमक को भी मैं डाल दूँगी यहाँ पे, और इतनी ही क्वांटिटी में गोल मिर्च पाउडर लेंगे जितने नमक लिए हैं, और इसमें दूध लेंगे। तो थोड़ा ही लीजिए, इतना मैंने बचा लिया है। इसको सारी चीज़ को मिक्सअप कर लीजिए। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आधा कप से भी दूध मैंने कम डाला है, 4 ब्रेड हैं इस वजह से आधा कप भी दूध मैंने कम डाला। अब इसे मैं चलती हूँ इधर, देखिए थोड़ा सा आप रिफाइन या घी कुछ भी आपके पास अवेलेबल है वह डालें, हल्का थोड़ा सा डालें 1 चम्मच। हम लोग इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं, बच्चे को देना है तो ज़्यादा तेल नहीं देंगे। इसको इसमें डिप कर लेते हैं। डिप करने के बाद इसे, बहुत इजी वे में बनने वाली रेसिपी है, बच्चे इसे बहुत शौक से भी पसंद करते हैं। इसको बस हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है। एक तरफ से हो गए, मैं इसे दूसरे तरफ से भी पलट दूँगी। इसको भी धीमे धीमे मीडियम आंच पे इसे बनाऊँगी। देखिए ये दोनों तरफ से सिक गई है। इसको अब मैं निकाल लेती हूँ इसे। इसी तरीके से मैं सारे बना करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने निकाल लिया है, अब इसी तरीके से सारे इसको बना करके मैं रेडी कर दूँगी। इसी तरीके से बस तेल की क्वांटिटी कम ही रखनी है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत कम ही रिफाइन तेल या घी जो भी आपको है उसी से बनाइए। बच्चों के लिए अंडा बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ये ठंडे के दिनों में बच्चे को देना चाहिए। बच्चे ग्रोथ पीरियड में है इसलिए बच्चे को डेली अंडा दें, किसी भी तरीके से बॉयल हो या ब्रेड के साथ हो, हाफ बॉयल दें ब्रेड के साथ दें, जैसे भी आप अपने हिसाब से बच्चे को डेली एक अंडा दें। इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड को सेक लूँगी। देखिए गाइस बहुत कम तेल में ये बन रहा है, ये बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसे। इसी तरीके से मैं ये दोनों बना करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए गाइस मैंने ये फ्रेंच टोस्ट बना करके 5 मिनट में झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, ये बच्चे को बहुत पसंद है। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी हुई है। इसको मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट हुई है, इसमें आपको पता भी नहीं चल रहा। जो बच्चे दूध नहीं लेना चाहते हैं या अंडा नहीं खाना चाहते उनको इस ढंग से आप खिला सकते हैं, इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप मेरे तरीके से बनाइए और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, ये बहुत टेस्टी भी लगती है। इसमें सब कुछ मीठा भी है, नमकीन भी है और हल्का सा गोल मिर्च का भी फ्लेवर है। ओके गाइज़।